जॉन अब्राहम धीरे धीरे अपनी हटकर कर रही फिल्मों की वजह से काफी पसंद किए जा रहे हैं। उनकी फिल्मों को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जॉन की पिछली फिल्म परमाणु को भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। वहीं अब जॉन अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते को लेकर चर्चा में है। फिल्म में जॉन शानदार लग रहे हैं, वहीं फिल्म के डायलॉग्स दमदार हैं। और अब फिल्म को लेकर एक बुरी खबर आ चुकी है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। दरअसल शिया समुदाय ने एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उनका कहना है कि फिल्म के मातम सीन ने मुस्लिम संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फिल्म से मातम सीन को तुरंत हटा लेना चाहिए और उसके बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए। शिकायत के आधार पर फिल्म मेकर्स के खिलाफ IPC की धारा 295, 295A और 153A के तहत FIR दर्ज हुई है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर और फिल्म के गाने दिलबर ने काफी धूम मचा रखी है। फिल्म के गानों और ट्रेलर को देखकर तो लग रहा है कि फिल्म में जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिलेंगे। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और इसी दिन अक्षय कुमार की गोल्ड भी रिलीज होगी। यानी कि बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त को धमाकेदार क्लैश होने वाला है। वहीं FIR दर्ज हुई है तो उस मुश्किल से फिल्म मेकर कैसे बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मनोज सर एंड जॉन, आप दोनों के लिए एक ही सवाल है। यू गाइस गो अ लॉन्ग वे, ऐसा साथ में बड़ी सारी फिल्में करी हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू से, ये केमिस्ट्री तब से लेके अब तक कितना चेंज हुई या कितना क्या, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा कुछ दो। आई जस्ट से वन थिंग दैट यू नो व्हेन यू आर शेयरिंग द स्क्रीन विद मनोज बाजपेयी, ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन एक्टिंग। ही इज रियली एंड हिज नाइसनेस इज हिज ह्यूमिलिटी। He's very easy, but I think he's, if not, then one of the greatest actors we have in Hindi cinema. Indeed. And I think he's absolutely fantastic. And just sharing screen time with him is very, very special. So, for people like me, it's like watching a film when you're watching Manoj Bajpayee. That's a huge compliment, I would say. But you deserve every bit of it, Manoj sir. What do you have to say on your experience on this movie? अच्छा मैं हिंदी में बोलूँगा नहीं तो काफी लोग troll करेंगे कि बिहार का हो के हिंदी में बात नहीं करता है। बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में ये। नहीं साहब, पहली बात तो ये कि जॉन से शुरुआत करें तो जॉन के साथ आपने जाहिर सी बात है बड़ी सही बात की कि इसके पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा था। जॉन अब्राहम के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक लाइन है, सफलता अंत नहीं होता है और असफलता अंत नहीं होता है। तो ये मान करके ये विचार रख के चलने वाले आदमी हैं, जो कि बड़े कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे लोगों के विचार बदलते रहते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे एटीट्यूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम वही रहता है। ये एक कमाल की बात है जॉन अब्राहम की, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कम सो फार, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अचीव्ड वट एवर ही इज़ अचीव्ड टिल नाउ। सो एंड ऑल्सो जब इस पूरी दुनिया में जहाँ पर नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं, वहाँ एक आदमी है जो बाहर से बाहर बैठ करके पूरे अपना काम करता जा रहा है और लगातार सफल फिल्मों का हिस्सा होता जा रहा है। बट थैंक यू वेरी मच जॉन। मुझे हमेशा लगता है कि नाइसिटी और हार्डवर्क जो है कभी भी खाली नहीं जाती, इसका जीता जागता उदाहरण जॉन अब्राहम है। क्या बात है। और आयशा वेलकम टू द वुड्स, ये डेब्यू कर रही हैं, इनकी शुरुआत है, तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं अगर आपकी तरफ से ताली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट दुनिया है, आपको भी पता है। भूषण जी आपको मैं बहुत बाद में जाना, लेकिन आपके पिताजी से आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहा है पहले जब थे वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और तब से जो है आप लोगों के साथ में संबंध रहा, आपके साथ में उतना नहीं रहा जितना कि किशन जी के साथ रहा आपके पिताजी के जाने के बाद, और इसके आप इस फिल्म में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विश्वास आपका सहयोग हमें मिला। निखिल को मैं 23 साल से जानता हूँ, 23 साल पहले ये सुधीर मिश्रा जी का असिस्टेंट हुआ करता था, तब से मैं काम मांग रहा था और अब 23 साल के बाद जाके काम दिया इसने मुझे। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच। यू आर नॉट ओनली अ ग्रेट प्रोफेशनल बट ऑल्सो अ ग्रेट फ्रेंड, एंड ऑलवेज चेरिश द मेमरीज
of those struggling days. Amrita Khan Wilkar, abhi ye message mera abhi association hua. इनके हस्बैंड जो हैं हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरी अगली जो फिल्म आ रही है गली गुलियां, तो उस उनके द्वारा उसके उनके जरिए जो है इनसे जान पहचान हुई. आई जस्ट सो हैपेंड दैट यू नो शी इज़ प्लेइंग माय वाइफ इन दिस फिल्म. जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड बहुत खुश नहीं हैं इस बात को लेकर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जानी मानी अदाकारा हैं मराठी फिल्मों की. अब मिलाप जवेरी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, शूट आउट वलाला में इन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे थे बड़े अच्छे अच्छे, और जब भी मैं जाता हूँ बाहर में तो कुछ एक डायलॉग्स मुझे जो है कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो मैं अपने पर्ची रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं. तो राजनीति का डायलॉग्स रखता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग रखता हूँ, सत्या के रखता हूँ. उसमें शूट आउट एट वडाला का डायलॉग तो ज़रूरी रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इनके डायलॉग की वजह से जो है मुझे कितनी बार जो है मेरी मतलब बदनामी हुई है कि मुझे डायलॉग याद नहीं है. वो डायलॉग था क्या, क्या डायलॉग था, मैं जॉन को ही बोलता हूँ, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं. टोटल सिटी मार. मैंने इनको कहा था कि यार भैया तुम क्या मतलब श्योर हो कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि यार मैं इस तरह की फिल्मों के लिए जाना नहीं चाहता हूँ. इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे आप ही चाहिए, आपने शूट आउट वडाला में जिस तरह से बोला था मुझे आप ही चाहिए. बट थैंक यू मिलाप, थैंक यू वेरी मच. यू नो इन द स्पेस ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा when I get these kind of films from Milap and Nikhil, I feel that I know I'm needed in this industry. Nahi to I'm always walking on the fringe, you know, I'm not part of the so-called mainstream cinema. But whenever these kinds of offer come, I always feel welcomed. I feel that, you know, somewhere they are trying to make me part of it. So thank you very much, both of you. And John Abraham, it was again great working with you. Lots of laughter, lots of love. एंड थैंक यू ऑल जो आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इस तरह के इवेंट हमेशा होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी बड़ी गैदरिंग आप सामने देखते हो तो सर आपके सामने हमेशा झुक जाता है. थैंक यू. थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड यस वील टेक योर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट एक क्विक फोटो अप हो जाए, और उसके लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट मार्केटिंग मीडिया एंड पब्लिशिंग मिस्टर विनोद भानुशाली फ्रॉम टी सीरीज लेडीज जेंटलमैन, एंड सीनियर वीपी फिल्म्स मिस्टर शिव चनाना, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन मेक सम नॉइज फॉर देम, या दे ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ या वील हैव अ क्विक फोटो अप, और उसके बाद वील गो मनीषा एंड मधु आल्सो वील लाइक टू कॉल अप ऑफ कोर्स मधु मनीषा Manisha and Madhu. Chalo. So first of all, congratulations to you and the team. It's an action-packed trailer. So looking after the action, can we say that you are India's official answer to Captain America, especially with that scene when you are having that shield? The like, door. Yeah, door. No, I think first of all, just taking you back a bit on the film, I think we've spoken enough about patriotism and corruption and everything. I think this is an unfiltered, hardcore commercial film. We're very clear, we've gone out to make a commercial film, we spoke about it, and this film has everything in it. It's a full plate. You can enjoy everything. And speaking about the Captain America part, that door was very heavy. Okay, Bhushan sir, aapse sawal hai. So, T-Series have ventured into many content-driven films and many awards. You have won many awards, including IFA. So, as a producer, do you feel more responsible? What's your take on that? See, obviously, you have to be responsible to your audience and you have to give them good cinema, which they can enjoy because they spend so much money on it. So we always try to, you know, get the content right and mix it with great music to entertain the audience. And in this film also, we are doing the same. It's a good content, great content with action. Like John just said, it's a full plate, which has music, which has action, which has drama. So we are very, very excited and positive about this film. John, here, this side only. How are you? अच्छा, मेरी छाती फूल गई थी जब आपने बोला कि मार मार. Tell me something about that dialogue. It is very good for women, you know. Yeah, I think, see, when you're making a film, at the end of the day, your character has to be काफी relatable होना चाहिए, even with women. और ये, I think, मिलाप का on the spot dialogue था. वहीं पे उसने वो you want to just tell them John, actually उस action scene, उस scene में John ने मुझे कहा कि scene बहुत अच्छा है, लेकिन एक where he's you know saving this औरत की रक्षा कर रहे,
कि मुझे कुछ एक्शन के अलावा एक इमोशन चाहिए या एक एक अच्छी बात चाहिए. तो ऑन द स्पॉट अगर जॉन ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं कभी ये डायलॉग जो है कि आज के बाद दुनिया का कोई भी मर्द ये ताना नहीं मारेगा कि तूने चूड़ियाँ पहनी है क्या, ये कभी नहीं आता अगर जॉन ने मुझे यू नो इंस्पायर नहीं किया होता. तो इट्स एक्चुअली हिज इमोशन विच जिस आई जस्ट मैनेज टू पुट इट इन डायलॉग एंड पुट इट इन द फिल्म.